अगर किसी आदमी ने पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, ये तो जो जिसके दिलों में भारतीय जनता पार्टी है वो दिलों में रहेगी। अगर विपक्ष का काम है अपना काम, वो अपनी भूमिका दिखाना है, हमें अपना देखना है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना है। आप एक बात बताइए, कोई एक लड़का मेरे सामने ऐसा ले आइए कि जो बीजेपी के राज में कोई नौकरी पैसे दे करके लगाओ, कितनी गजब की बात है। कभी उस आदमी का आप इंटरव्यू जरूर दीजिए। आप सरपंचों को भी और सरकार को भी, दोनों को, मंत्री जी को भी सूझबूझ करके और सरकार को भी, इनका फैसला कि भाईचारा सबसे बड़ी मैं तो बड़ा की धरती पे यही डिमांड करूंगा कि सरपंचों को और सरकार को दोनों को समझौता कर लेना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम मैं बड़ा तो मेरा गाँव ही, अपना मेरा पाडा है, बड़ा एक ही गाँव है। अगर हम अपने गांव का परिचय देते हैं तो पहले बड़े का देते हैं फिर अपने गांव का, क्योंकि हमारा छोटा है बड़ा गांव। दूसरा, इस वुमेन डे पे सर्वप्रथम कितनी अच्छी पहल है, एक गांव से आज तक आपकी पत्रकारिता में इतने दिन हो गए, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि भी गांव के अंदर इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा सारा कुछ, मतलब इतना अच्छा आयोजन करना एक गाँव लेवल पर, कितना अच्छा। इनके लिए इनको बधाई ढेर सारी। और जो मुहिम नशे के खिलाफ, आप इनके बैकग्राउंड नहीं जानते, इन्होंने गांव में नशे के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। और इनको मैंने यह आश्वासन दिया है कि कोई भी इनको जरूरत होगी तो इनकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। राजेश जी, अभी अगर ताजा हालातों की बात करें तो हरियाणा में बहुत सारा विरोध हो रहा है, चाहे अधिकारी की बात करें या सरपंचों की बात करें। पंचकुला में लाठीचार्ज है सरपंचों पे, उसके बारे में क्या कुछ कहना? देखिए ये सरकार का विषय है, सरकार का पद बहुत बड़े है, ये मुख्यमंत्री सत्र के, मैं तो छोटा सा एक आम कार्यकर्ता हूँ, जितना भी है कि हमें तो, मैं यही कहना चाहता हूँ सरपंचों को भी और सरकार को भी, दोनों को, मंत्री जी को भी सूझबूझ करके और सरकार को भी, इनका फैसला कि भाईचारा सबसे बड़ी मैं तो बड़ा की धरती पे यही डिमांड करूँगा कि सरपंचों को और सरकार को दोनों को समझौता कर लेना चाहिए। और ये ताकि विरोधाभास ज़्यादा आगे ना बढ़े। कोई भी सरकार कोई भी कानून बनाती है वो बड़े जाँच परख के साथ बनाती है, और कई बार कुछ कमियाँ त्रुटियाँ रह जाती हैं, उनको भी अगर कोई त्रुटि ऐसी लगती है तो उसको दूर भी कर देना चाहिए ताकि कोई विरोधाभास न करे। ऊपर से चुनाव आने वाला है ताकि इलेक्शन पे कोई भी प्रभाव या न पड़े। आप ही की पार्टी के जो पंचायत मंत्री है वो देखिए ब्रदर, मेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो है जननायक जनता पार्टी, वो मेरी पार्टी से नहीं है, हमारी पार्टी का ही हमारे सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं। वैसे वो सूझवान और अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ किन कारणों के चलते ये सब अपने कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। सरकार लगी हुई है इनके प्रयास में, एक दो वार्ता हो चुकी है, एक दो वार्ता अभी होनी बाकी है, तभी मुझे लगता है कि ये सरकार के लेवल की बातें हैं और सॉल्व हो जाएगा। कल टेंट भी उखाड़ दिए गए और 4000 किसानों के ऊपर दोबारा फिर पर्चा दर्ज कर दिया गया। देखिए जो टेंट उखाड़े गए हैं वो सरकार ने नहीं उखाड़े, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार। अब कई आदमी, मैं आज से पहले ही बैठा था, वो बोले यार सरपंचों के तो बेचारे के बुरे दिन लगे। माँ क्यों भाई, अरे सरपंच तो हमारा बड़ा गणमान्य व्यक्ति होता है। वो बोले जी पहले दिन तो सरकार ने लठ मार दिए, अगले दिन उनके वो मधुमक्खी वो चली गई, फिर तीसरे दिन टेंट पैट दिया। मैं कहा भाई कोई उल्टे दिन नहीं है। अगर किसी आदमी ने पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो ग्रांट SFC की, FFC की या जो PRA की किस्तें आती हैं, जो उड्डा राज में आती थी उससे ज़्यादा किस्तें आती हैं। और किसी भी गांव में आप जा करके देख लेना, आप ये देख लेना कि पिछले 10 साल का और ये 8 साल का, वो दोनों का जो अनुमानित है वो दोनों निकाल के देख लेना, आपको ये पता लग जाएगा कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार अच्छी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार अच्छी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि बीजेपी पार्टी का राज अब खत्म होने वाला है, इस ओके करे ना दीवा बुझने। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये तो जो जिसके दिलों में भारतीय जनता पार्टी है वो दिलों में रहेगी। अगर विपक्ष का काम है अपना काम, वो अपनी भूमिका दिखाना है, हमें अपना देखना है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना है। और हम अंत्योदय की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है अंत्योदय की, वो अपने दिल में लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। हमें ये नहीं है कि व्यक्तिगत स्वार्थों की, वो लोग व्यक्तिगत स्वार्थों को देखते हैं, आप उनके बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। कोई आप एक बात बताइए, कोई एक लड़का मेरे सामने ऐसा ले आइए कि जो बीजेपी के राज में कोई नौकरी पैसे दे करके लगाओ, कितनी गजब की बात है। कभी उस आदमी का आप इंटरव्यू जरूर दीजिए। आप एक आदमी, एक ऐसा है कि आपका एक विधायक है शासन में, उसकी लड़का नौकरी लग गया। मेरे पास एक कांग्रेसी नेता का फोन आया, बोले भाई साहब बच्चे का मेडिकल है। मैं क्या बात होगी, मेरा बच्चा सब इंस्पेक्टर लग गया।
भाई कमाल की बात, देखो गरीब घरों के बच्चे बगैर सिफारिश से बगैर उससे नौकरी लग रहे हैं और कितनी अच्छी बात है, इस बात को साथ देना चाहिए। ताकि ये हो जाता है कि ये सरकार लेवल की बातें हैं, सरपंच वाला मुद्दा लगा लो या कोई भी मुद्दा है, बड़े लेवल के मुद्दे। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, क्या आय दुगनी हुई है? देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये सवाल पूछो आप तो सरकार के जिम्मेवार व्यक्ति हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मुद्दा बड़ा है मेरे भाई, अपना छोटा काम है, छोटी दुकानदारी है, छोटा काम है। आप अपने क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, ये सरकार लेवल की बातें। किसी भी गांव में जाते हैं क्या सरपंच का विरोध देखने को मिलता है? देखिए हमें तो कोई विरोध नहीं, मैं तो अभी आराम से वो यहाँ से सरपंच साहब अभी मिला हूँ, सबसे मिलता हूँ, अपना कोई विरोध नहीं है। हाँ हो सकता है कि कुछ आदमी कोई नीतियों से कोई प्रभावित है, आप उनको देखो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सरपंच ये कह रहे थे अगर भाई हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। ये तो पक्ष और विपक्ष ये तो साथ ही चलते हैं, लेकिन देखना सरकार को है कि वो उनको अपना वोट अपना चाहिए या नहीं चाहिए, मिसर पर नाराज है कि नहीं है। क्या राजेश अपनी व्यक्तिगत राय देंगे? मेरी व्यक्तिगत राय ये है, सरकार को और सरपंचों को कोई ना कोई बीच का, हरियाणा में पंचायतों पर निर्भर है, कोई पंचायती तौर पर उसको देसी भाषा में पंचायती तौर पे या आपसी सुलह से कोई एक ऐसा फैसला करें ताकि ये विकास के कार्यों में गति आए। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई ये सारे सरपंच जो अपनी जो ग्रांट हैं उसको अपना खर्च करना शुरू करें, SFC की जो ऑनलाइन उनकी पड़ी है, और ताकि गाँव का विकास प्रभावित ना हो। ये तो आनी जानी चीज़ें होती हैं, 5 साल कोई लंबा समय नहीं होता, तो इसलिए ये अपना काम शुरू करें और साथ के साथ अपने संघर्ष में भी सरकार से भी वार्ता जारी रखें। विपक्ष ने ये कहा है कि भी सरपंच पिट गया तो पूरा गांव पिट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बात बताइए, अब एक गांव में कितने कैंडिडेट होते हैं? 10 कैंडिडेट होते हैं। हालांकि ये सम्मानजनक होता है कि सरपंच हमारा सरपंच गांव का मुखिया होता है, मालिक होता है, लेकिन उसके विपक्ष वाले भी कितने होते हैं? अब यहाँ जिले राम शर्मा जी बैठे हैं विधायक जी, ये जमानत जब्त थी तभी विधायक बन गए, लेकिन वोट तो खिलाफ वाले ज़्यादा, उसके हारे भी तो कई कैंडिडेट हैं उनकी मिलाएं। तो गांव का तो रवैया एक अलग होता है। कई बार आपको मैं बताता हूँ, मेरे गांव में एक बिल्कुल गरीब टोकरी बनाने वाला ब्लॉक समिति में बन गया, उसकी टक्कर में कोई एक अच्छा आदमी खड़ा था वो हार गया। ये नहीं बात होता, नेचर की बात हो जाती है, जिसमें लोगों की मुहर हो जाती है उसको जीत जाते हैं। और गाँव को जोड़ना सरपंच के साथ बहुत गलत है। क्या आप राइट टू रिकॉल जो कानून लेके आए सहमत हैं? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने उस पर सहमत हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसको होना चाहिए, लागू होना चाहिए।